लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। मुंबई में जब से कोरोना महामारी बढ़ी है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज के नाम पर लूट का कारोबार चलने लगा है। ताजा मामला घनसौली के RLG हेल्थ केयर हॉस्पिटल का है, जिस पर इलाज के नाम पर कोरोना मरीजों से 3 से 5 लाख का बिल वसूलने का आरोप है। परिजनों की शिकायत पर आज यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों ने इस हॉस्पिटल के खिलाफ हल्ला बोल किया और मनमानी बंद करने की मांग की। यूथ कांग्रेस के जिला सचिव सिराज सैयद ने कहा कि राज्य सरकार की गाइडलाइंस के बावजूद प्राइवेट हॉस्पिटल जनता को लूट रहे हैं। फिलहाल शिकायत पर मनपा की आरोग्य अधिकारी ने यहां का दौरा किया और आरोपों को सही पाया, जिसके बाद हॉस्पिटल को सील करने की तैयारी चल रही है। देखिए रिपोर्ट। तस्वीर में दिख रहा है यह घनसौली का वही RLG हेल्थ केयर हॉस्पिटल है, जिस पर कोरोना इलाज के नाम पर मरीजों को लूटने का आरोप है। पीड़ितों की माने तो हॉस्पिटल प्रबंधन यहां बिना परमिशन कोविड हॉस्पिटल चलाता है और 3 से 5 लाख का बिल वसूल कर रहा है। पीड़ितों की शिकायत पर आज मुंबई यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने हॉस्पिटल पर हल्ला बोल किया और मरीजों का पैसा वापस करने की मांग की। यूथ कांग्रेस के जिला सचिव सिराज सैयद ने कहा कि एक तरफ जहां राज्य सरकार सबको सस्ता इलाज उपलब्ध कराने में जुटी है, वहीं ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल मरीजों को लूटने में लगे हैं। सिराज की माने तो तमाम शिकायतों के बाद भी ना तो पुलिस एक्टिव हो रही थी, न ही मनपा प्रशासन। फिलहाल बार बार की शिकायत पर आज मनपा अधिकारी ने यहाँ का दौरा किया और मरीजों के हित में हॉस्पिटल को सील करने की चेतावनी दी। सिराज सैयद ने कहा कि यूथ कांग्रेस ऐसी मनमानी के खिलाफ आवाज उठाता रहेगा। ऐसे डॉक्टर मतलब कितना भी किसके ऊपर भी चार्ज कर रहा है, पेशेंट जो गुजर गए उनको भी बॉडी नहीं हैंड ओवर कर रहे। ये किया है कि इनको 22 तारीख को ऑलरेडी नोटिस दिया गया था कि आप लोग ये हॉस्पिटल को बंद करें। हॉस्पिटल ने रीज़न ये दिया कि हमारे क्रिटिकल पेशेंट है, हम 2-4 दिन में पेशेंट ठीक होते ही हम हॉस्पिटल बंद कर देंगे। लेकिन इनका वो अपनी मनमानी थी, उन लोग नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए मैडम ने खुद कार्रवाई की। हॉस्पिटल इलीगल है, इलीगल पैसा ले रहा है और इनके पास COVID-19 का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है और नोटिस लगा के इनको बंद किया जा रहा है हॉस्पिटल को। दरअसल RLG हॉस्पिटल की इस मनमानी लूट के शिकार एक दो नहीं बल्कि दर्जनों मरीज हैं। यकीन नहीं आता तो उनके परिजनों के मुँह से इसकी सच्चाई सुन लीजिए। यह शिवाजी जलपटे हैं, जिनके पिता के इलाज का बिल 5,17,000 मिला है। वहीं मयूरेश पांडे की मां के इलाज का बिल 3.5 लाख, 2 दिन के इलाज का बिल 1,63,000 रुपये आया है। हालांकि अच्छी बात यह है कि यूथ कांग्रेस की दबिश और मनपा अधिकारी की चेतावनी के बाद सबके बिल घटाए जा रहे हैं। पीड़ितों ने यूथ कांग्रेस का आभार जताते हुए मनपा अधिकारियों से इस तरह की मनमानी को रोकने की भी अपील की है। पिताजी परमेश्वर जलकुटे 12 तारीख को हमने एडमिशन किया था, तो उन्होंने फिर 50,000 डिपॉजिट करा बोला, तो 50,000 किया था। बाद में 2-3 दिन के बाद 25,000 बोले डिपॉजिट किया, तो बाद में 10-15 दिन उनका सब प्रोसीजर हुआ, तो अभी 26 तारीख को डिस्चार्ज का बोले, तो 5,17,000 इतना बिल बनाया। तो हमने बोला सर जी इतना बिल कैसा बनाए, इतना अपने चार्जेज कैसा लगाए, तो बोले कि ये सब इतना चार्जेज रहता है, आपको पेड करना पड़ेगा। सर हम अभी काम धंधा कुछ नहीं, 1 साल से कुछ नहीं काम धंधा कर रहे, रिक्शा चलाते ऐसा है, तो पैसा यहाँ से कितना इतना भरेंगे हम। तो हमको उन्होंने बोला कि सर कुछ करो, तो बोले नहीं हम कुछ नहीं करेंगे ऐसा है। मेरे माँ को मैंने 16 तारीख को RLG हॉस्पिटल में एडमिट किया था, तो उन्होंने मेरा माँ 10 दिन एडमिट थी इधर, तो उन्होंने 10-11 दिन का चार्जेस 3,44,000 लगाया मेरे को। ये चार्जेस ज़्यादा है और ये चार्जेस कम करने के लिए हमको कांग्रेस पार्टी ने बहुत हेल्प की है और मैं उनका आभारी हूँ बहुत। और अभी मेरी माँ अच्छी है, अभी कल रात को मैं आया था और कल उनको डिस्चार्ज दे दिया गया। 2,50,000 लेके डिस्चार्ज लिया था, तो हाँ उसमें भी अभी सर के हेल्प से, सिराज सर के हेल्प से मेरा काम हुआ है और वो रिवर्ट करके चार्जेस देंगे। ऑक्सिजन बेड न भेटल्यामुळे आम्ही मुंबईला आणलं। शेतकरी कुटुंबातलं एक पेशंट असून आम्ही मुंबईला इथं क्लिअर होईल म्हणून सांगितलं। आमचं पेशंट 2 दिवसात इथं ऑफ झालेलं आहे पूर्णपणे, त्यासाठी आम्ही यांना वारंवार विनंती देऊनही म्हणावं असं त्यांनी आम्हाला हे केलेलं नाही। आणि त्यानंतर 2 दिवसाचे चार्ज 1,63,000 रुपये एवढं लावले, तर गरीब कुटुंबाने शेतकरी वर्गातील त्यांनी कुठून एवढे पैसे आणायचे, त्यासाठी आम्ही काँग्रेस पार्टीचे
जे आम्हाला सपोर्टर्स यांनी सपोर्ट करून फोल मोलाचं सहाय्य केलं त्यांच्याबद्दल धन्यवाद. ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया.